फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं ऑफिस में हूँ ऑलरेडी और मैं ऑफिस से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज का, और ये एक सडन ब्लॉग बन रहा है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि हमारे ऑफिस में आज आसाम का लाइक बहुत ही बड़ा एक यूट्यूबर आया है शूट के लिए। उनका नाम है टिम्पू बोरुआ और बहुत ही रॉ वो वीडियोस बनाते हैं, एकदम फैमिली के टाइप, फैमिली से हम जैसे बात करते हैं वो भी ऐसे अपने व्यूअर्स के साथ बात करते हैं। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनका, और एक तरह से वो मोटिवेट भी करते हैं, उनका वीडियोस देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे लाइफ में यूट्यूब जर्नी में मैं इतना बड़ा यूट्यूबर को फर्स्ट टाइम मेरे सामने देख रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बात किया है उनसे, तो आप लोग देख रहे हो कि मैं कितना ब्लश कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है बहुत। तो वो अभी शूट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करना है, उनको भी मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करा लेती हूँ। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। सो मैं कोशिश करती हूँ जब वो फ्री होते हैं एक बार आप लोगों के साथ भी उनका इंट्रोड्यूस, मैं मतलब आप लोगों के साथ भी उनको मैं मिलवा देती हूँ। सो आप लोग कंटिन्यू आगे वीडियो देखते रहो, आई होप कि आप लोगों को भी वीडियो देख के अच्छा लगेगा। सो मिलती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद। ज़िंदगी में ना कभी भी, मतलब मेरा यहाँ पे दो साल पूरा हो गया है मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, कभी भी नहीं ये पट्टा नहीं पहना। सो आज फर्स्ट टाइम मैं भी पहन रही हूँ, मेरे सारे कलीग्स भी एकदम पहन चुके हैं क्योंकि डिम्पू आया है। लाइक फीलिंग्स सागरिका डिम्पू के साथ? फीलिंग वेरी नाइस। कैसे क्या लगे तुम्हारे डिम्पू के साथ? तू कथा बता ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं, ऐसा लाइक अटक ना जाऊँ बात करते करते। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि जब डिम्पू से बात करूँगी तब उस टाइम पे मैं नर्वस ना हो जाती हूँ, उनको मैं बार बार तो नहीं बोल सकती। लेट्स होप कि मैं ज़्यादा अटक ना जाऊँ बात करते टाइम। फाइनली डिम्पू आ चुके हैं हमारे ऑफिस के अंदर और ये रही मैं। लुक एट मी जस्ट, मैं तो ब्लश कर रहे थे लिटरली। और टिम्पू मेरे सीनियर के साथ और मेरे सारे कलीग्स के साथ बात कर रहे थे, लाइक अपने वीडियो शूट कर रहे थे और मैं शूट कर रही थी बिहाइंड द सीन। और अभी मैं और मेरे कलीग्स मिल के टिम्पू को पूरा ऑफिस घुमा रहे थे और जितना भी एमिनिटीज हैं वो सब भी दिखाया। टिम्पू इतने हम्बल है कि मैंने उनको जस्ट एक बार बोला था कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, तो उन्होंने बोला कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, चैनल तो चैनल ही होता है, छोटा बड़ा चैनल कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे और एक बार पूछा भी कि वीडियो नहीं बना रही हो क्या, तो बनाओ वीडियो, वीडियो बनाओ। तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिला कि चलो हाँ बनाती हूँ, इसलिए मैंने सडनली ये ब्लॉग रेडी किया आप लोगों के लिए। और अभी हम लोग टिम्पू को हमारा एक रेडी मेड फ्लैट दिखाया जो कि विथ इंटीरियर है, तो उनको भी काफ़ी पसंद आया। और हम डायरेक्ट गए टेरेस पे, टेरेस गार्डन दिखाने, और उधर पे ऑलरेडी टिम्पू के फैंस वेट कर रहे थे, उनका पता हमारी सोसाइटी में लाइक हमारे उधर पे जो लोग स्टे करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक किया। मैंने पूजा तर ऑफिस आई ऑफिस मैंने फ्लैट उत्तरण दिले वीडियो बनालो बाकी मैं ना बनाओ और यही बना बोलो। सो फाइनली मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाई उनसे क्योंकि वो भी बिजी थे, तो अभी थोड़ा सा उनको मैंने बोला कि थोड़ा सा बात कर लो मेरे व्यूअर्स से भी। तो ये है डिम्पू बोरुआ लाइक गुवाहाटी के बहुत बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट का, आसाम का यूट्यूबर। हाँ हाँ हाँ, मैं तो हर वीडियो देखती हूँ और एक तरफ से मेरे लिए एक मोटिवेशन भी मिलता है इनसे,
और इंस्पायर्ड होती हूँ मैं इनके वीडियोस से। तो मैं एक सवाल बस उनसे पूछूंगी कि उनको किस चीज़ से, मतलब वो किस चीज़ से इंस्पायर होके लाइक यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, या फिर मैं मतलब जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे मतलब प्यार देते हैं, यही है मेरे इंस्पिरेशन। मतलब और अच्छा लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ और उसको लोग मतलब पसंद करते हैं, तो मैं फिर से मेहनत करने का मतलब एक जोश फिर से आता है अंदर से और अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ये असमिस है तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप थोड़ा सा हिंदी में बात कर लो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मैं हिंदी में, चैनल ही मेरे हिंदी में है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहो आगे वीडियो। देखा ही आप लोगों ने, वो फ्लैट देख चुके हैं अभी यहाँ पे और अभी जा रहे हैं वो। एबर बाय दीदी। सो डिम्पू अभी चले गए हैं, उनका फ्लैट देखना हो गया है और उनको अच्छा लगा यहाँ पे आके फ्लैट देख के। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनसे बात करके। वो बहुत ही फ्रेंडली है, मैंने मतलब हमेशा देखा है उनके वीडियोस पे कि वो सब लोगों से बहुत ही फ्रेंडली वे पे बात करते हैं। अगर कोई भी यूट्यूबर्स उनसे मिलते हैं या बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है और क्या बोलते हैं वो, एकदम डाउन टू अर्थ है। मतलब 1% भी एटीट्यूड, अहंकार कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं भी वो चीज़ बहुत, मतलब मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो बस हाँ, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।